जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आइए हम बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। देर आर सम थीरीज, जो कुछ सिद्धांत है जो कि हिंदी भाषा शिक्षण में उपयोग किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उनके सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि बालक को ठीक प्रकार से शिक्षण प्रदान करने हेतु अध्यापक का शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों से परिचित होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो टीचिंग है ना वो एक कला है, और हम यह शिक्षण सामान्य सिद्धांतों की चर्चा यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो वो क्या है सिद्धांत? तो आपका पहला सिद्धांत है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल एक्टिविटी, मतलब खुद से करने का सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत है कि शिक्षण आप इस प्रकार से करें कि बच्चे को खुद से करके सीखने पे बल दिया जाए। क्यों? क्योंकि खुद से करके सीखने पे जो ज्ञान बच्चों को मिलता है वो अस्थाई होता है और लंबे समय तक रहता है, स्पष्ट होता है। तो दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण का प्रथम सिद्धांत क्या है कि क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा दोस्तों निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, मतलब आप बच्चे को पढ़ाने से पहले उसके उद्देश्य निर्धारित करें कि बच्चा अगर उस चीज़ को पढ़ेगा सीखेगा तो उससे प्राप्त क्या होगा। क्योंकि जब निश्चित हम उद्देश्य निर्धारित कर देते हैं तो शिक्षण प्रभावशाली हो जाता है, स्पष्ट व रुचिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सिद्धांत क्या हो गया, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तीसरा है दोस्तों जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। देखिए बच्चे पढ़ के चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उनके लाइफ से लिंक कर देंगे, उनके जीवन से संबंधित कर देंगे, तो वह ज्ञान उनके लिए स्थायित हो जाता है। तो तीसरा दोस्तों हिंदी शिक्षण के सिद्धांत का पॉइंट है जीवन से संबंधित सिद्धांत। चौथा दोस्तों रुचि का सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बच्चे को पढ़ाने से पहले इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाने की रुचि है, बच्चे को समझ में कितना आ रहा है, बच्चे इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं। तो हमारा एक चौथा हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रुचि का सिद्धांत। पांचवा है दोस्तों चयन करने का सिद्धांत, मतलब एक ये सिद्धांत होता है, इसमें हम यह देखते हैं कि बालक की योग्यता क्षमता उनके उद्देश्यों के आधार पर हम पढ़ाने की विधियों का चयन करते हैं। अर्थात एक चयन का सिद्धांत ये भी है कि हम बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, इस चीज़ का चयन करना, ठीक है दोस्तों। तो वैसे तो इतने पॉइंट काफ़ी हैं, लेकिन दो चार पॉइंट और देख लीजिए, जैसे कि पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके अनुसार पाठ्यक्रम को विभिन्न अनिवृत्तियों या पाठों में बांट लेना चाहिए। अगर आप पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चे को मुश्किल होगा, इसलिए हम कुछ यूनिट में या फिर कुछ पाठ में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये भी एक विभाजन का सिद्धांत है। और दूसरों व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, क्लासरूम में पढ़ने वाले सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ प्रखर बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ औसत बुद्धि के होते हैं। तो हम अपने पढ़ाने के सिद्धांत में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बच्चों के अंदर विविधता है। दोस्तों ओवरऑल ये 8 पॉइंट है, इस 8 पॉइंट को लिखिए अगर आपसे पूछता है कि हिंदी शिक्षण के सिद्धांत, और इनको थोड़ी सी व्याख्या करिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जामिनर भी बहुत खुश हो जाएगा आपसे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत की। अब हम बात करें हिंदी भाषा शिक्षण के सूत्र। दोस्तों कुछ सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं जिस सूत्र पे चल के आपको पढ़ाना है। वह सूत्र क्या है, पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे को आप इस सूत्र से पढ़ाएंगे, पहले आप जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को आता क्या है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अज्ञात की ओर चढ़ेंगे, सरल से जटिल की ओर। हम पहले उन्हें आसान चीज़ों को समझाएंगे बताएंगे, उसके बाद जटिल शब्दों के बारे में बताएंगे, क्योंकि पहले ही जटिल शुरू कर देंगे तो बच्चों को डर लगेगा, समझ नहीं आएगा, भाग जाएंगे। सुगम से कठिन की ओर, फिर भी वही बात, इजी से डिफ़िकल्ट की ओर, एक ही बात कही जा रही है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कंसंट्रेट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर, और अनिश्चित से निश्चित की ओर। दोस्तों ये वो सूत्र हैं जिन सूत्र के आधार पे आप हिंदी भाषा का शिक्षण करते हैं। तो अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए कि इसकी व्याख्या कैसे करनी है, वही पॉइंट जो आपने समझा उसको अपने शब्दों में लिख दीजिए। इस सूत्र के अनुसार बालक को जिस ज्ञान से परिचित, उस ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित किया जाता है। कक्षा की जिन सरल साधारण बातों से बालक परिचित है उससे आरंभ करके
उन बातों की ओर जाना चाहिए जिससे वो अपरिचित है। कहने का मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो ज्ञात है वहाँ से प्रारंभ करके आप वो जो उसको नहीं पता वहाँ तक चलिए। दूसरा, अगर हम बात करें सरल से कठिन की ओर, इसमें भी बिल्कुल वही बात है कि बालक जिसमें रुचि लेता है वहाँ से शुरू करके आप जटिल की ओर अग्रसर करें। ठीक है, तो बिल्कुल बात वही की जा रही है। अगर स्थूल से सूक्ष्म की ओर की बात करें, इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहा जाता है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो मूर्त रूप से हो, जो साकार रूप से हो, जो दिखाई देता हो, वहाँ से शुरू करके अमूर्त, जहाँ पे चिंतन करना पड़े, जहाँ सोचना पड़े, उधर के तरफ चलिए। तो दोस्तों यही है मुख्य हिंदी भाषा के शिक्षण सूत्र। अगर आपसे पूछता है तो प्लीज़ आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं एक हिंदी भाषा के शिक्षक के गुण क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक हिंदी टीचर के अंदर। पहले दोस्तों उसको हिंदी का विषय आना चाहिए। दूसरा दोस्तों, हिंदी शिक्षण के सिद्धांतों का और विधियों का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बाल प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। वह एक कुशल कक्षा नियंत्रक हो, कुशल वक्ता हो, साहित्यिक कहानियों का ज्ञाता हो, उसका जो व्यक्तित्व जो हो वो पर्सनालिटी प्रभावपूर्ण हो, न्याय करने वाला हो, ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, सहानुभूति रखने वाला हो, उसका वेशभूषा अच्छा हो। तो यह हिंदी भाषा शिक्षक के गुण। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उसके व्याकरण की जानकारी हो, ठीक है, शब्द भंडार अच्छा हो। तो मतलब ये सारी क्वालिटीज़ हैं एक शिक्षक के। अब अगर आपसे पूछता है कि हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत, तो जब आप पाठ्यक्रम बनाते हैं हिंदी भाषा के लिए तो आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, एकता का सिद्धांत, दूरदर्शी का सिद्धांत, रूढ़िवादी, नवीनीकरण, रचनात्मक, प्रेरणा, परिपक्वता, जीवन के लिए तैयारी, लचीलेपन का सिद्धांत। सवाल आपसे ये से पूछ सकता है कि हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत लिखिए तथा उन किन्हीं चार की व्याख्या करिए, तो किन्हीं चार की आपको यहाँ से व्याख्या कर देनी है। अगर हम बाल केंद्रित की बात करें तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वो होता है जिसमें हम बालक की क्षमता, रुचि, उनकी योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। समुदाय केंद्रित का मतलब होता है कि ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करें जिसमें सारे समुदायों के लिए उपयोगी चीज़ें हो, सारी समुदायों के बीच में आपसी प्यार और स्वार्थ बना रहे। गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम का मतलब वह पाठ्यक्रम जिसका आधार गतिविधि हो, प्रैक्टिकल चीज़ें हो, जिसके अंदर गतिविधियाँ ज़्यादा हो, उसको हम गतिविधि सिद्धांत पाठ्यक्रम केंद्रित सिद्धांत। तो ये दोस्तों पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत हैं, इनमें से किसी चार की आपकी व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई। दोस्तों यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या होती है। ठीक है, तो जैसे अनुकरण विधि, अनुकरण विधि में क्या होता है दोस्तों, बच्चे देख के नकल करके सीखते हैं। अब अनुकरण विधि भी दो प्रकार की हो सकती है, लिखित अनुकरण विधि और मौखिक अनुकरण विधि। मतलब बच्चे जैसे लिखा होता है वैसे नकल करके लिखते सीखते हैं, और बच्चे जैसे बोला जाता है वैसे सुन के सीखना सीखते हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का मतलब जो हमें डायरेक्ट दिखाई, जैसे हमने जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना, वो प्रत्यक्ष विधि होता है। व्याकरण विधि, दोस्तों व्याकरण विधि का मतलब होता है कि हम बच्चे को पहले व्याकरण का ज्ञान करा देते हैं, उसके आधार पर चीज़ों को पढ़ाते हैं। यूनिट मेथड, इकाई विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों इन सारे विधियों की सेपरेट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, कमेंट के लिंक में मिल जाएगी। दोस्तों वैसे सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक्स है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनी है, तो हम सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, किन्हीं तीन चार को आपको एक्सप्लेन करना होता है, बाकी आपसे कुछ इस प्रकार से आपको पॉइंट डालना होता है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं। दोस्तों इसमें एक और विधि होता है जिसको हम कहते हैं अनुवाद विधि। अनुवाद विधि का मतलब होता है ट्रांसलेशन मेथड का, कि जो चीज़ें दी गई हैं उसको आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करके पढ़ाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए अगर हम बात करें दोस्तों कि हिंदी के व्याकरण के बारे में हम बात करें कि हिंदी व्याकरण के उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले अगर आपसे व्याकरण पूछे कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं व्याकरण के बारे में कह सकते हैं, व्याकरण वह विद्या है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और समझना आता है। ठीक है, तो अब व्याकरण के उद्देश्य क्या होंगे, आप बच्चों को व्याकरण पढ़ाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या उद्देश्य होगा। सबसे पहले हिंदी व्याकरण के द्वारा शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त होता है बिल्कुल, लिपि का पूरा स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना, वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना और शब्द भंडार बनाना एवं शब्दों के अर्थ, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश, हेतु शब्द का ज्ञान प्राप्त करना, ये सारे क्या हैं दोस्तों पाठ्यक्रम के व्याकरण के उद्देश्य हैं। ठीक है, छात्रों में व्याकरण के नियमों, सूत्र व परिभाषा की समझ विकसित करना, समर्थक शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना,
भाषा की प्रकृति की पहचान करना इत्यादि। तो ये दोस्तों क्या है, ये हिंदी व्याकरण के ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण के माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक मतलब थोड़े से बड़े लेवल पर, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। भाषा विश्लेषण की योग्यता प्राप्त करके शुद्ध व अशुद्ध भाषा की पहचान करना, स्थानीय भाषा में अशुद्ध प्रयोग से बचना तथा शुद्ध एवं मानक भाषा का आदत सुदृढ़ करना। मतलब हमारे जैसे अयोध्या के, हमारी स्थानीय भाषा क्या है, अवधी है। अवधी मतलब अरे मने ही आए रहे ऐसे कहा, तो इसमें आप देखेंगे इसमें अशुद्ध हिंदी यूज़ किया जाता है। वास्तव में ये अवधी भाषा अपने आप में शुद्ध है, लेकिन अगर हम हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें कुछ अशुद्ध शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो स्थानीय भाषा, देखिए स्थानीय भाषा में अशुद्ध प्रयोग से बचना तथा शुद्ध एवं मानक भाषा का आदत का सुदृढ़ करना, ये दोस्तों व्याकरण का क्या है उद्देश्य। चलिए, अर्थ ध्वनि एवं रूप आदि के वाक्यों एवं अवयवों से परिचित होना, ठीक है, भाषा को शीघ्र सीखने की कुशलता प्राप्त करना और भाषा के सही प्रयोग करके क्षमता का विकसित करना, ये दोस्तों व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से हैं माध्यमिक स्तर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल दोस्तों, इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी विषय में क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और आपसे एक प्रश्न तो बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा, वो भी 15 नंबर में, कि अपने विषय वस्तु के किसी एक प्रकरण पर पाठ योजना तैयार करिए। तो दोस्तों ये जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इसे एक्सप्लेन करना, जैसे पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इकाई योजना या श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, ये जो सारे पॉइंट हैं वो सारे विषय के लिए कॉमन है। तो मैंने इसको सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे दोस्तों। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हिंदी भाषा से संबंधित हमने जो प्रश्न को डिस्कस किया, क्या ये आपके लिए उपयोगी थे, आपको अच्छा लगा वीडियो, वीडियो कैसा लगा हो इसकी राय आपको कमेंट बॉक्स में देना है जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे। दोस्तों अगर आप में से कोई मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहता है तो दिए गए इस आईडी पर हमें क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई दोस्त टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप सब बहुत मेहनत करिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे इस बार और बहुत अच्छे नंबर से आपको पास होना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय दें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, खूब अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।